मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। आज हम बनाएंगे कॉफ़ी पुडिंग, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली है, इसमें मैंने 2 कप के करीब जो है दूध डाल दिया है। 2 कप मतलब कि 500 ml के करीब मैंने यहाँ दूध यूज़ किया है। फिर मैंने एक छोटी कटोरी ली जिसमें मैंने 3 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लोर डाल दिया है और इसमें 1/4 कप के करीब मैं जो हूँ पानी डाल दूँगी और इसका एक घोल बना लूँगी। अच्छे से घोल बनाना है जिससे इसमें लम्स वगैरह नहीं रहे। और बस ये घोल बन के जैसे ही तैयार होगा फिर हम एक दूसरा बाउल लेंगे, उसमें मैं 2 टेबल स्पून के करीब जो हूँ इंस्टेंट कॉफ़ी डालूँगी और इसमें जो हूँ 2 टेबल स्पून के करीब ही जो है पानी डालूँगी और इसका भी घोल बना लूँगी। बस इसे भी अच्छे से घोल देना है। फिर जब तक जो है हमारा दूध भी इधर साइड में बॉयल हो जाएगा। ये देखिए दूध भी जो है हल्का हल्का बॉयल होने लगा है। जब इसमें अच्छे से बॉयल आ जाएगा तब हमने जो कॉफ़ी घोल के रखी है उसको हम इसमें डाल देंगे। धीरे धीरे करके ये जो है कॉफ़ी का घोल जो है इसमें डाल देना है। इसको काफ़ी अच्छे से चला लेना है जिससे कॉफ़ी अच्छे से घुल जाए दूध के साथ। उसके बाद मैं यहाँ पे जो हूँ चीनी डालूँगी। ये 1/2 कप के करीब चीनी है जिसे मैंने इसमें डाल दिया है, इसको भी घुल जाने दीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे डार्क चॉकलेट ली है 1/4 कप, उसको भी डाल दिया है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा इसमें। उसके बाद मैंने ये जो कॉर्नफ्लोर का घोल बनाया है इसको भी इसमें डाल दूँगी और इसे भी अच्छे से चला लूँगी। कॉर्नफ्लोर डाला है तो अब ये ठीक होना शुरू हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये देखिए अभी अच्छे से ठीक हो गया। जैसे ही लगे कि हाँ ये जमने लायक पेस्ट हो गया है तब हम जो है गैस बंद कर देंगे। बस अब ये मुझे लग रहा है कि सेट होने लायक हो गया है, तो बस अब मैं जो हूँ गैस बंद कर दूँगी और एक बर्तन लूँगी जिसको मैं ग्रीस कर दूँगी। मैंने यहाँ पे इसको बटर से ग्रीस कर दिया है, आप ऑयल वगैरह किसी से भी ग्रीस कर सकते हैं। उसके बाद जो मैंने पुडिंग तैयार की है उसको मैंने इस पर पलट देना है और पलटने के बाद इसको हमें रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देना है। उसके बाद मैंने इसको फ्रिज में रख देना है 2 से 2.5 घंटे के करीब। इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख दीजिए जिससे काफ़ी अच्छे से सेट हो जाएगी और कट करना आसान हो जाएगा। तो बस अभी देखिए मैंने 2.5 घंटे के करीब फ्रिज में रखा, उसके बाद इसको निकाल लिया है, ये काफ़ी अच्छे से सेट हो गया है। अब मैंने ये जो डार्क चॉकलेट है इसको मैंने किस लिया है बारीक और इसको ऊपर से स्प्रेड कर दिया। आप चाहें तो कोको पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी ऊपर से डाल सकते हैं। बस इसको चारों तरफ अच्छे से मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको जो हूँ कट कर लूँगी। आप अपने मन चाहे शेप में कर सकते हैं, मैं स्क्वायर शेप में इसको कट करूँगी तो मैं भी आपको दिखाती हूँ। मैंने ये चाकू लिया है और ये देखिए बस इसको मैंने जो है चारों तरफ से कट लगा दिया है और किसी भी लैडल वगैरह की सहायता से इसे नीचे से रिमूव कीजिए और ये देखिए निकल के तैयार है। बस अब मैं इसे प्लेट में रख दूँगी और ऊपर से थोड़ी सी जो है चॉकलेट जो है ऊपर से स्प्रिंकल करूँगी जिससे और अच्छी लगेगी। और बस ये रेडी है खाने के लिए। एक मैं आप इसको कट करके दिखाती हूँ, ये देखिए कट करके ये बहुत ही टेस्टी होती है और आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा और आप बताइएगा कि ये कैसी लगी है। और कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन हो आपको रेसिपी से संबंधित तो आप पूछिएगा।